हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है और साधना की जाती है। अब मैं बताऊंगी माँ के कौन कौन से 9 रूप हैं जिनकी आप साधना करें। सब प्रथम तो आती है माता शैलपुत्री। ये जो है प्रतिपदा के दिन इनका पूजन और जप किया जाता है। मूलाधार में ध्यान करके इनके मंत्र का जाप करते हैं। ये देवी जो है धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य और मोक्ष देने वाली हैं। और इनका मंत्र क्या है, मंत्र को आप कॉपी में नोट कर लें। ओम ऐम रीम क्लीम शैलपुत्रे नमः। ओम ऐम रीम क्लीम शैलपुत्रे नमः। दूसरी माता आती है माता ब्रह्मचारिणी। इनका ध्यान सुष्टान चक्र में ध्यान करके किया जाता है। ये जो माता है संयम तप वैराग्य और विजय प्राप्ति की माता कहा जाती है मतलब। और इनका मंत्र जो है वो है ओम ऐम रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। ओम ऐम रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। ओम ऐम रीम क्लीम ब्रह्मचारिणी नमः। तीसरी माता आती है माता चंद्रघंटा। ये माता जो है इनका जो ध्यान है वो मणिपुर चक्र में रखकर किया जाता है। ये कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्त करने वाली माता है। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐम रीम क्लीम चंद्रघंटाए नमः। ओम ऐम रीम क्लीम चंद्रघंटाए नमः। चौथी माता आती है माता कृष्णमांडा। इनका जो ध्यान है वो अनहात चक्र यानी हृदय के पास रखकर ध्यान किया जाता है। मतलब ऐसा मन में विश्वास रखा जाता है कि माता मेरे हृदय में विराज रही हैं, माता कृष्णमांडा। ये जो देवी हैं रोग दोष शोक की निर्वृत्ति तथा यश बल और आयु की दात्री कहा जाता है। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐम रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। ओम ऐम रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। ओम ऐम रीम क्लीम कुष्मांडाय नमः। पांचवी माता कहलाई जाती है वो स्कंद माता, यानी जो पांचवा दिन आता है वो माता स्कंद माता का होती है। इनका जो आराधना है वो विशुद्ध चक्र में ध्यान करके किया जाता है। अपने गले के पास विशुद्धि चक्र होता है, जो हड्डी होती है ना हमारी बीच की, उसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। यानी यहाँ पर ये देवी विराजती हैं, उनका ध्यान विशुद्धि चक्र के पास ही किया जाता है। ये जो देवी हैं सुख शांति और मोक्षदायिनी है। और जो इनका मंत्र है वो है ओम ऐम रीम क्लीम स्कंद माताए नमः। ओम ऐम रीम क्लीम स्कंद माताए नमः। छठी माता है कात्यानी। ये आज्ञा चक्र में ध्यान करके इनकी आराधना की जाती है। जो हमारे माथे का जो बीच का बिंदु होता है ना, उसको कहते हैं आज्ञा चक्र। यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान करके माता कात्यानी का ध्यान किया जाता है। ये देवी जो है भय रोग शोक संतापों से मुक्ति तथा मोक्षदात्री कहा जाता है। इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐम रीम क्लीम कात्यायने नमः। ओम ऐम रीम क्लीम कात्यायने नमः। अगली माता आती है सातवीं माता, जिनको कहते हैं कालरात्रि। इनका ध्यान जो है अपने पूरे ललाट में ध्यान किया जाता है। ये जो देवी हैं शत्रुओं का नाश करती हैं और विपत्तियों को हरती हैं। ये सुख शांति और मोक्ष देने वाली हैं। इनका जो मंत्र है वो ओम ऐम रीम क्लीम कालरात्राय नमः। ओम ऐम रीम क्लीम कालरात्राय नमः। उसके बाद आती है आठवां, यानी अष्टमी का दिन आता है माता महागौरी का। इनका ध्यान जो है पूरे मस्तिष्क में रखकर किया जाता है। यानी मस्तिष्क पर ध्यान किया जाता है कि हमारी जो ये देवी महागौरी मस्तिष्क में विराज रही हैं। ये अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त करने वाली हैं, असंभव काम भी संभव हो जाते हैं इनकी जो आराधना करते हैं। इनका जो मंत्र है वह ओम ऐम रीम क्लीम महागौर्याय नमः। ओम ऐम रीम क्लीम महागौर्याय नमः। नवी माता आती है माता सिद्धिदात्री, यानी नौवा दिन नौमी का दिन। इनका ध्यान जो है अपने जो मस्तिष्क है ना उसके मध्य कपाल में ध्यान किया जाता है। मध्य कमाल यानी बीचों बीच ये सभी सिद्धियाँ प्राप्त करने वाली हैं, इसीलिए इनको माँ सिद्धदात्री कहा जाता है। इनका जो मंत्र है वह ओम ऐम रीम क्लीम सिद्धदात्राय नमः। ओम ऐम रीम क्लीम सिद्धदात्राय नमः। तो दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इन 9 रूपों की माँ की आराधना करें, भाव विभोर होकर आराधना करें। और दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और कमेंट्स में नमः शिवाय और जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।